जयपुर के चूमू से खबर है, जहां शहर में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। पैंथर ने बछड़े को शिकार बनाया। सूचना पर चूमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गौरक्षक दल के अध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी ने अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन रोड गुलियों की ढाणी में पैंथर के आने की सूचना मिली थी। चूमू शहर में पिछले 7 दिन से पैंथर को लेकर दहशत मची हुई है। वन विभाग की टीम को रात्रि गश्त के बाद भी पैंथर को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। रेलवे स्टेशन रोड से कि एक गोवंश घायल हो गया और सूचना पर हमारी टीम पहुंची और हमने प्राथमिक उपचार किया है और अब उपचार के लिए गौशाला के अंदर गोवंश को भिजवाया गया है। यहाँ के आमजन का कहना है कि पैंथर के शिकार से ये आमेर के सागर से बाहर आया मगरमच्छ। सागर रोड खेड़ी गेट स्थित हर्षनाथ भैरू मंदिर तक ये मगरमच्छ पहुंचा। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू किया। मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बायोलॉजिकल पार्क छोड़ा गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों में राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आमेर हर्षनाथ भैरू मंदिर तक ये मगरमच्छ पहुंच गया। भुसावर उपखंड के गांव अलीपुर के कालिया पहाड़ को देवस्थान में शामिल करने और राज्य सरकार की ओर से पोर्टल पर आवंटन के लिए नई 13 लीज को रद्द करने की मांगों को लेकर साधु संतों का आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी है। राज्य सरकार की ओर से अलीपुर में काले पहाड़ पर नई लीज जारी करने का प्रस्ताव पोर्टल पर डाला हुआ है, जिनका सरकार की ओर से अभी तक कोई आवंटन क्रेशर संचालकों को नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने इन 13 नई लीजों के संबंध में यह भ्रम फैलाया गया कि राज्य सरकार ने अलीपुर क्रेशर जोन के लिए 13 नई लीज जारी कर आवंटन कर दिया है। साधु संतों और ग्रामीण जनों की ओर से हसन का मंदिर पर आमरण अनशन दिया जा रहा है। वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली की ओर से राज्य सरकार को देवस्थान विभाग ने में कालिया पहाड़ को लेने और पोर्टल पर जारी की गई लीजों को निरस्त करने की सिफारिश पत्र भेजने की बात कही है। कालिया के पहाड़ पर जो साधु संतों और ग्रामीणों द्वारा जो आमरण अनशन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बाबा कालिया के पहाड़ को देवस्थान विभाग में शामिल किया जाए और सरकार द्वारा जो पोर्टल पर नई लीजें जो आवंटित की गई हैं उनको पूर्ण तरीके से स्थगित किया जाए। जबकि ग्रामीणों का और साधु संतों का जो ये आमरण अनशन चल रहा है, इसमें पुरानी लीजों से और पुराने क्रेशरों से कोई भी लेना देना नहीं है। ग्रामीणों को जो समस्या है वो नई लीजें जो आवंटित की गई उनको लेकर के है और कालिया बाबा के पहाड़ को देवस्थान विभाग में शामिल किया। मेरा नाम राजेंद्र सिंह मुंडेला है और 3 क्रेशर हैं मेरी यहाँ पे, बालाजी स्टोन क्रेशर, गोवर्धन स्टोन क्रेशर और मित्तल गिरी टुकड़े हो। और ये जो आए दिन समस्याएँ आती रहती हैं, कई सालों से आ रही हैं, यहाँ कुछ साधु संतों का साथ लेके और कुछ स्थानीय लोग या कुछ इस क्षेत्र से बाहर के कुछ लोग इन साधु संतों का सहारा लेके और भरतपुर की भुसावर पुलिस ने फेसबुक पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने के वायरल वीडियो पर दर्ज अभियान पर कार्रवाई की। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के बिलाड़ा से बड़ी खबर है, जहां जसवंत सागर बांध 3 इंच खाली है। आपको बता दें, जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं बांध देखने के लिए, आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों की भारी भीड़। बिलाड़ा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिलाड़ा क्षेत्र के 14 गांवों में फिलहाल हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बिलाड़ा जोधपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बांध देखने के लिए लोगों की अब यहाँ भीड़ उमड़ रही है। बिलाड़ा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, हाई अलर्ट जारी किया गया 14 गांवों के लिए। जसवंत सागर बांध जहां अब वो सिर्फ 3 इंच खाली है,
किसानों के चेहरे इस बांध के भराव के बाद खिले नजर आ रहे हैं। बिलाड़ा जोधपुर की ये तस्वीर। गंगापुर सिटी से खबर है, जहां अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान झगड़े का वीडियो वायरल हुआ। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एसडीएम ने से खींचतान हुई। एसडीएम पर ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप लगाया है और अवैध वसूली का आरोप लगाया है। एसडीएम का कुछ दिन पहले ही टोडा भीम में ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि मामले को लेकर एफआईआर दर्ज फिलहाल नहीं हुई। एसडीएम पर मनमानी और अवैध वसूली का आरोप ग्रामीणों ने यहां पर लगाया है। टोडा भीम गंगापुर सिटी से खबर हम आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंची थी पूरी टीम। ग्रामीणों का आरोप है कि मनमानी की जा रही है और अवैध वसूली का आरोप यहां पर लगाया गया है। गंगापुर सिटी से ये खबर। नगर निगम ग्रेटर से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ले रही अधिकारियों की बैठक। बैठक में नगर निगम ग्रेटर के सभी अधिकारी मौजूद हैं। जयपुर के विकास और समस्याओं को लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई। तो ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर इस समय तमाम अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो शहर को किस तरह से साफ स्वच्छ बनाया जा सके, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तमाम अधिकारी सभी विभागों के इस समय और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मेयर सौम्या ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर कर रहे हैं। बांसवाड़ा संभाग का सबसे बड़े जिला अस्पताल डेंगू का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि जहां जिला अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें लगी है, वहीं डॉक्टर्स कक्ष में मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है। ब्लड सैंपल लैब के इंचार्ज उषा डामोर ने बताया कि एवरेज डेंगू के आंकड़े रोज के 4 से 5 पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। डेंगू के बढ़ते आंकड़े को देख जिला स्वास्थ्य विभाग को टीम अलर्ट मोड़ पर है। डेंगू के केस बढ़ गए हैं। अपना जो लास्ट जुलाई का डाटा है वो है 643 आर्टिस्ट लगे, उसमें से 9 पॉजिटिव हैं। और अभी सितंबर में अपना डाटा है 340 लग चुके हैं और उसमें 5 पॉजिटिव आए। तो बारिश के सीजन में डेंगू के केसेस बढ़ गए हैं। टोटल डेली अपनी सारी जो इन्वेस्टिगेशन हैं पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मेट्रोलॉजी 3000 के आसपास हो जाते हैं। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े जिला अस्पताल के अंदर मैं खड़ा हुआ हूं। मौसमी बीमारी का प्रकोप है बांसवाड़ा जिला अस्पताल के अंदर में। जो डेंगू के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। लगातार अगर बात करते हैं जिला अस्पताल की, तो सुबह 7 बजे से यहां पर जो मरीजों की कतार है वो यहां पर लंबी लगी हुई है। लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। आज कम समय के अंदर में डॉक्टर बैठेंगे, कम टाइम के अंदर में डॉक्टर बैठेंगे। ऐसे के अंदर में हर मरीज को यहाँ पर चिंता एक इस बात की भी है कि हमारा इलाज जल्दी हो जाए। लेकिन जिला अस्पताल के अंदर में जिस प्रकार से मरीजों की जो तादाद आ रही है सुबह से लेकर शाम तक, वो कहीं ना कहीं 1000 से ऊपर की ओपीडी यहाँ पर हो जा रही है। दूसरी अगर बात करते हैं तो मौसमी बीमारी जिस प्रकार से, जो मलेरिया के जो आंकड़े हैं, डेंगू के जो आंकड़े हैं वो लगातार है, वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। प्रतिदिन की अगर बात करते हैं तो 3 से 4 जो डेंगू के मरीज का जो आंकड़े होते हैं वो यहाँ लगातार आ रहे हैं। ऐसे के अंदर में जिला अस्पताल के अंदर में जो मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और आउटडोर पे अगर भीड़ की अगर बात करते हैं तो तमाम लोग यहाँ पर है वो खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमें पर्ची मिल जाए और हम जल्द से जल्द डॉक्टर के पास में पहुंचे और हमारे स्वास्थ्य का इलाज करवाएं। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच बेधड़क के लिए किशन सेन बांसवाड़ा। एसआई पेपर लीक प्रकरण आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को एसओजी आज करेगी कोर्ट में पेश। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एसआई पेपर लीक से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। एसआई पेपर लीक प्रकरण, जहां आरपीएससी के पूर्व सदस्य
बाबूलाल कटारा को एसओजी आज कोर्ट में पेश करने वाली है। 3 दिन के रिमांड पर बाबूलाल कटारा चल रहे थे, आज रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आज एसओजी कोर्ट में पेश करेगी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद बाबूलाल कटारा को आज एसओजी कोर्ट में पेश करने वाली है। रिमांड खत्म हो चुकी है और रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में बाबूलाल कटारा की पेशी है। आपको बता दें कि रामूराम रायका की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था बाबूलाल कटारा का नाम। एसओजी की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ था। और इस खबर संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? आज बाबूलाल कटारा की रिमांड जो है वो खत्म होने वाली है, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जब 10 तारीख को 10 आरोपियों को जो है पेश किया गया था, तो उसमें जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसमें इनमें से 9 आरोपियों को जो है 2 दिन की रिमांड दी गई थी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड पे भेजा था। आज बाबूलाल कटारा को जो है, क्योंकि रिमांड पूरी हो जाएगी, उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले कल जो 9 आरोपी थे उनको जो है जेल भेज दिया गया है 26 सितंबर तक, और आज जो है बाबूलाल कटारा को जो है आज एसओजी जो है कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि रामूराम रायका ने जिस तरह से खुलासे किए थे उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में बाबूलाल कटारा पहले ही गिरफ्तार था, तो एसओजी ने बाबूलाल कटारा को प्रोटेस्ट वारंट पर गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया। उसके बाद 10 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया और 10 तारीख के बाद इसकी जो रिमांड है वो 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, क्योंकि जो आरपीएससी में बाबूलाल कटारा को जब एसओजी लेकर गई थी तो वहां पे रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी, तो एसओजी ने अतिरिक्त समय मांगा था, तो कोर्ट की तरफ से 3 दिन का जो समय दिया गया था और 3 दिन का जो समय आज समाप्त हो रहा है और आज कोर्ट में पेश होगी। जहां तक संभावना है वहां से या तो एसओजी जो रिमांड है उसको बढ़ाने की मांग कर सकती है या बाबूलाल कटारा को आज जेसी भेजा जा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसओजी की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके बाद रामूराम रायका जिनके गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब एसओजी से पूछताछ हुई तो ये बड़ा खुलासे हुए, बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल रिमांड खत्म हो रही है और आज, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, एसओजी रिमांड बढ़ाने की बात कोर्ट में कह सकती है। तो आज रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा बाबूलाल कटारा को। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी है। तो एक के बाद एक एसओजी की कार्रवाई के बाद इस मामले में खुलासे हुए और अब ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं एसआई पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी, जहां बाबूलाल कटारा की आज रिमांड खत्म होगी और एसओजी और रिमांड बढ़ाने की बात यहां पर कह सकती है। पाली में जारी बारिश के बाद किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाली के मारवाड़, गोड़वाड़, कांटा और आड़वल क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते खेत में लहरा रही फसलें बर्बाद हो गई। किसानों के खेत में पानी भरने से किसान कर्ज में डूब गए हैं। बारिश के चलते कपास, मूंग, चावल, उड़क, मक्का, तिल की फसलें खराब हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं भारतीय किसान संघ ने भी अतिवृष्टि से हुई किसानों को दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार से उचित मुआवजा सहित राहत पैकेज देने की मांग की है। सेसुरी क्षेत्र के अंदर कृषि विभाग द्वारा कृषकों के कहने पर सर्वे किया गया, तो अतिवृष्टि के कारण फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके लिए कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को इस समस्या समाधान के लिए और फसलों में नुकसान के लिए प्रेषित किया गया है, सूचित किया गया है। साथ ही मुआवजे के लिए उचित कार्रवाई हेतु विभाग के कार्मिकों को